मुगल काल में जिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मैला ढोने की प्रथा को स्वीकार करने के बाद अपने जनेऊ को तोड़ दिया और उपनयन संस्कार को भंग कर दिया, वो भंगी कहलाए। तो स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भंगी जाति के इतिहास के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे आपके पूर्वजों ने जिन भंगी और मेहतर जाति को अस्पृश्य करार दिया, जिनका हाथ का छुआ तक आज भी बहुत सारे हिंदू नहीं खाते हैं, जानते हैं वो हमारे और आपसे कई बहादुर पूर्वजों के संतान हैं। मुगल काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को दो रास्ते दिए गए, या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर हम मुगलों मुसलमानों का मैला ढो। आप किसी भी मुगल किले में चले जाओ, वहाँ आपको शौचालय नहीं मिलेगा। हिंदुओं की उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले कमरे में सटा शौचालय मिलता है, जबकि मुगल बादशाह के किसी भी महल में चले जाओ आपको शौचालय नहीं मिलेगा। जबकि अंग्रेज और वामपंथी इतिहासकारों ने शाहजहां जैसे मुगल बादशाह को वास्तुकला का ज्ञाता बताया है, लेकिन सच तो यह है कि अरब के रेगिस्तान से आए दिल्ली के सुल्तान और मुगल को शौचालय निर्माण तक का ज्ञान नहीं था। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल बादशाह तक के समय तक पात्र में शौच करते थे, जिन्हें उन ब्राह्मणों और क्षत्रियों और उनके परिजनों से फिकवाया जाता था जिन्होंने मरना तो स्वीकार कर लिया था लेकिन इस्लाम को अपनाना नहीं। हिंदू समाज ने मेहतर के मैला ढोने की नीच प्रथा को भी महत्तर अर्थात महान और बड़ा करार दिया था, जो बाद में मेहतर हो गया। भारत में 1000 ईस्वी में केवल 1% अछूत जाति थी, लेकिन मुगल वंश की समाप्ति होते होते इनकी संख्या 14% हो गई। आपने सोचा कि ये 13% की बढ़ोतरी 150 से 200 वर्षों के मुगल शासन में कैसे हो गई? वामपंथियों का इतिहास आपको बताएगा कि सूफियों के प्रभाव से हिंदुओं ने इस्लाम स्वीकार किया, लेकिन गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों के बलिदान का सबूत हमारे समक्ष है, जिसे वामपंथी इतिहासकार केवल छूते हुए निकल जाते हैं। गुरु तेग बहादुर के 600 शिष्यों को इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण आम जनता के सामने उनके शरीर को बीचों बीच काट दिया गया, फिर गुरु को खौलते तेल में डाला गया और आखिर में उनका सिर कलम करवा दिया गया। भारत में इस्लाम का विकास इस तरह से हुआ है, इसीलिए जो हिंदू डर के मारे इस्लाम धर्म स्वीकार करते चले गए, उन्हीं के वंशज आज भारत में मुस्लिम आबादी है। जो परिवार हिंदू मरना स्वीकार कर लिया, वह पूरा का पूरा परिवार काट डाला गया, और जो हिंदू नीच मैला ढोने की प्रथा को स्वीकार कर लिया, वह भंगी और मेहतर कहलाए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं, अनुसूचित जाति उन्हीं बहादुर ब्राह्मण और क्षत्रियों के वंशज है जिन्होंने जाति से बाहर होना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के जबरन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। आज के हिंदू समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हिंदू के भगवा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया, भले ही स्वयं अपमान और दमन झेला। दलित और वाल्मीकि शब्द का वास्तविक अर्थ अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने जनेऊ को तोड़कर अर्थात भंग कर मुस्लिम शासकों और अमीर के यहाँ मैला ढोने और उनके द्वारा पात्र में किए गए शौच को सिर पर उठा के फेंकने वाले हमारे पूर्वजों ने खुद तो अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन समाज को झकझोड़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने शिखा का त्याग नहीं किया ताकि उनके ब्राह्मण की पहचान से समाज परिचित रहे, और फिर उन्होंने अपने काम से निवृत्त होकर हिंदू चेतना जागृत करने के लिए घर घर गली गली गा गा कर राम कथा कहना शुरू कर दिया, ताकि हिंदू में व्याप्त निराशा दूर हो। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन को वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदुओं में आई कुरीतियों जाति पाति भेद आदि को दूर करने का आंदोलन कहकर झूठ प्रचलित किया, जबकि ब्राह्मण तुलसीदास से लेकर दलित रैदास तक इस आंदोलन को क्रूर शासकों से मुक्ति के लिए जन चेतना का स्वरूप दिए हुए थे। दिल्ली में रामलीला की शुरुआत अकबर के ज़माने में तुलसीदास ने कराई थी, ताकि हिंदुओं में व्याप्त निराशा दूर हो, उनकी लुप्त चेतना जागृत हो जाए और उनके अंदर गौरव का एहसास हो, ताकि वह सत्ता हासिल करने की स्थिति प्राप्त कर ले। इसी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से निकले समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को तैयार कर मुगल सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी। सोचिए, जो डरपोक और कायर थे वो इस्लाम अपनाकर मुसलमान बन गए, जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, बदले में मुस्लिम शासकों और अमीरों का मैला ढोना स्वीकार किया, वो भंगी कहलाए।
और जिन हिंदुओं ने इनके उपकार को नमन किया और इन्हें अपना धर्म रक्षक कहा, उन्होंने उन्हें एक धर्मदूत की तरह वाल्मीकि दलित महतर का नाम दिया। कालांतर में इतने प्यारे शब्द भी अस्पृश्य होते चले गए, इसकी भावना भी धूमिल होती चली गई और हमारे पूर्वजों ने इन धर्म रक्षकों को अपने ही समाज से बहिष्कृत कर दिया। हिंदू धर्म कुरीतियों का घर बन गया जो आज तक जाति प्रथा के रूप में बना हुआ है। तो दोस्तों, भंगी जाति का इतिहास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।